हम सब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम दुआ करेंगे। सारे लोग ध्यान। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु। आपका करुणा महान है, दया महान है प्रभु। मनुष्य को अपने स्वरूप से बनाया प्रभु, इसलिए आपको आप धन्यवाद देते हैं। मेरा तेरा वचन कहता है प्रभु, सारे पृथ्वी के लोग तेरा दंडवत करेंगे, तेरा नाम का भजन गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे। हे प्रवेश्वर, आप महान हैं प्रभु। इस प्रकार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के अपने दासों के द्वारा जो वचन हमारे लिए रख चढ़ा है प्रभु, वो वचन हम सुन के प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ऐसे आशीष पाएंगे प्रभु। जिन भाई बहन लोग इस सभा में आज आ नहीं पाए, अगले हफ्ता जैसे आ पाएंगे, उसी प्रकार उन्हें को अनुग्रह प्रदान करें। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। प्रभु ने एक और धन्य मौका दिया कि अपन सब लोग एक साथ एकत्रित होकर प्रभु के वचन पर ध्यान और मनन करें। मेरी प्रार्थना है कि आज प्रभु अपने वचन से हमको जो भी संदेश देंगे, वो संदेश हम में से हर व्यक्ति के जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बने। प्रभु के वचन से एक हिस्सा पढ़ने से पहले मैं दो बातें याद दिलाना चाहता हूँ। उसमें से पहली बात यह है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने अपना भंडारी बनाया है। भंडारी शब्द सुनकर एकदम से शायद मन में पता नहीं क्या फीलिंग आती है, क्योंकि आजकल भंडारियों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी आप बड़े शहरों में या इवन गांवों में जमींदारों के बारे में सोचें तो उन दुकानों में और उन घरों में एक व्यक्ति होता है जो जमींदार के लिए सब कुछ करता है। शहरों में जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं, अब तो आधुनिक बिजनेस आ गए हैं, लेकिन कम से कम जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब तक सामान्य प्रकार के बिजनेस थे। शहर में एक से एक सेठ थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार होता था। सुबह यदि आप सेठ की दुकान में चले जाएं, तो जो आदमी सबसे पहले आता था और जो आपको सब कुछ दिखाता है और जो आपको बहुत ही अच्छे से अच्छी चीज़ देकर आपसे प्रॉमिस करता है कि यदि वो चीज़ ख़राब हो जाए तो वो आदमी उसको बदल देगा, और जो व्यक्ति सबसे आखिर में दुकान से वापस जाता है उसको हम लोग मध्य प्रदेश के इलाके में जनरली मुनीम कहते हैं। मुनीम हिसाब भी रखता है, दुकान खोलता है, दुकान बंद करता है, मालिक के लिए हर चीज उपयोग में लाता है, हर चीज बेचता है, दूसरों को देता है, लेकिन वो मालिक नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैं नौकरी कर रहा था तब एक बार अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बहुत ही बड़े हार्डवेयर की दुकान में गया, तो ऐसे ही बात हुई। आदमी जो सब कुछ बता रहा था बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, तो मैंने पूछा कि अच्छे ये भी है क्या आपके पास, ये भी है क्या? तो बोले, सर आपको नहीं मालूम, आपको जो कुछ चाहिए सब हमारे पास है, आप आइए। और उस व्यक्ति ने ले जाके मुझे पूरा गोदाम दिखाया। मुझे ऐसी हैरानी हुई कि कुछ पूछिए मत, इतना बड़ा गोदाम था। और हर चीज में आप आइए, मैं आपको दूंगा, मैं आपको गलत चीज नहीं दूंगा। आपको जो आप जो सामान ले जाए, यदि आपको लगता है कि गलत सामान ले गए, आप ले आइए, मैं बदलूंगा, मैं दूंगा, मैं करूंगा। और जब सारी बातचीत हो गई तो मैंने कहा कि अच्छा जरा बिल बनवा दीजिए। तो वहाँ जो लड़का था उससे कहा कि ये साहब का बिल बना देना, मुझसे कहा कि आइए मेरे कमरे में बैठते हैं। वहाँ ले जाके तख्त पर उन्होंने मुझे बैठाया
और एक और लड़के को बुला के कहा कि साहब जी के लिए कुल्फी लाओ, जो कि हमारे इलाके का बहुत ही प्रसिद्ध ठंडा मिष्ठान है। तो जब इतनी बात हो गई, जो आदमी इस सारे करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों के गोदाम को मुझे दिखा रहा था और जो अधिकार के साथ कह रहा था मेरे पास आइए मुझे बताइए मैं आपको दूंगा, मैंने उससे पूछा कि ये सब प्रॉपर्टी आपने कितने सालों में खड़ी की। तब उन्होंने बताया कि सर प्रॉपर्टी मैंने नहीं खड़ी की, प्रॉपर्टी तो सेठ साहब की है, मैं तो उस व्यक्ति का मुनीम हूँ। ये होता है मुनी, जो सेठ की सारी प्रॉपर्टी को, सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी को दूसरों को देता है, उनके साथ विनिमय करता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि हम आपको सर्वोत्तम माल ही देंगे और यदि माल में किसी तरह की खराबी निकली तो मेरे पास आइए मैं बदल के दूंगा। वो व्यक्ति सेठ नहीं था, सेठ का मुनीम था। मुनीम के लिए कई जगह भंडारी कहा जाता है, वो भंडारी था। मैंने ये बात आपको क्यों बताई, इसलिए कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब बार बार प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि मैं और आप जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके उस आत्मिक परिवार में जन्म लिया है, हम में से हर व्यक्ति प्रभु का भंडारी है। और प्रभु ने ये बात बार बार याद दिलाई थी। आपको याद होगा नए नियम में वो उदाहरण है कि स्वामी विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, तब उन्होंने अपने दासों को बुलाकर उनको धन दिया और उनसे कहा व्यापार करो, और जब स्वामी वापस आए तो स्वामी ने कहा लाओ मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। इस तरह के कई उदाहरण प्रभु ने दिए थे जो बार बार हमको याद दिलाते हैं कि मैं और आप प्रभु के भंडारी हैं और प्रभु ने अपनी असीमित जो संपत्ति है उसमें से मुझे और आपको एक एक हिस्सा, एक एक टुकड़ा, छोटा या बड़ा दे रखा है, जिसका उपयोग हमें प्रभु के लिए करना है और इतने विश्वास योग्यता से करना है कि जिस तरह से उस मुनीम को देखकर मुझे लगा कि वो मालिक है, उसी तरह से जब दुनिया के लोग मेरे और आपके जीवन को देखें तब उनको यह लगना चाहिए कि यह व्यक्ति सचमुच में प्रभु का प्रतिनिधि है। मलयालम में तो इवन एक कहावत है काणपट दैवम, मतलब साक्षात ईश्वर। व्यक्तियों के लिए यह शब्द यूज किया जाता है, उनका जीवन इतना पवित्र, इतना समर्पित और दूसरों के प्रति उनको मदद करने के लिए इतना अधिक समर्पित था कि लोग उस व्यक्ति को ही ईश्वर मानने लगे। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने मुझे और आपको जो सौंपा है उसके प्रति इतना समर्पण होना चाहिए कि जो हमको देखते हैं वे लोग मेरे और आपके जीवन के द्वारा ईश्वर को देखें। यह है वो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जिसके साथ मैं आज का संदेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। दूसरी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊँगा, हम लोग प्रभु के अनुयायियों में से चार लोगों ने प्रभु की जो चार जीवनियाँ लिखी हैं उनमें से पहली जीवनी से प्रभु यीशु के जीवन की कुछ बातों, जीवन से कुछ बातों का अध्ययन कर रहे थे। मत्ती रचित सुषमाचार पाँचवें अध्याय के 27वें पद से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले वो अपने मन में उस स्त्री से व्यभिचार कर चुका। यहाँ स्त्रियों के बारे में कहा गया है, पुरुष के बारे में कहा गया है, स्त्री पर नजर डाले तो वो उसके साथ गलत काम कर चुका है। स्त्रियों के लिए भी ये उतना ही लागू है, यदि ये स्त्री एक पुरुष पर गलत नजर डालती है तो वो अपने जीवन में उस पुरुष के विरुद्ध गलत कार्य कर चुकी है। हम लोग जनरली
हम में से हर एक के हाथ में एक लिस्ट या हमारे मन में एक लिस्ट होता है कि ये कार्य नहीं करना, ये कार्य नहीं करना, ये कार्य ऐसा ऐसा नहीं करना है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो बातें बताई उनको जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि प्रभु की दी हुई लिस्ट या प्रभु ने जिन बातों को वर्जित किया है वो हमारे सोचने से और कहीं अधिक है। हमको कई बार लगता है कि मैं ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसलिए मैं अपने जीवन में शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, संत हूँ। ऐसा नहीं है। प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को जो करने को वर्जित किया है वो सब हमको मालूम होना चाहिए, उसके पीछे कारण है। और वो कारण ये है कि मैं और आप अपने मन को, अपनी वाचा को और मेरे और आपके जीवन में जो कर्म है, इन तीनों चीजों को प्रभु के भंडारियों के समान हमको उसका उपयोग करना है। बाइबल में कहा है यदि बोले, कोई व्यक्ति बोले तो इस तरह से बोले कि प्रभु के नाना प्रकार के भंडारियों के समान कृपा के साथ वो बोले। तो मेरे कहने का मतलब आज ये है कि प्रभु ने हमको एक मन दिया है। इस मन में प्रतिदिन हम हजारों बात सोचते हैं। जब सोचते हैं तब हमको याद रखनी चाहिए कि इस मन का उपयोग हमको ये सोच कर करना चाहिए कि मेरा मन प्रभु के द्वारा दिया गया वरदान है और इसलिए मैं इस मन का मालिक नहीं हूँ, भंडारी हूँ। मुझे उसका उपयोग इतने विश्वास योग्यता से करना चाहिए कि प्रभु कहे कि हे मेरे विश्वास योग्य दास। उसी तरह से हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को टुकड़े टुकड़े काटने के बदले उस व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, उसमें हम उस व्यक्ति को राहत पहुंचाएं। और जब हम उस व्यक्ति को राहत पहुंचाएंगे, उसको आश्वासन देंगे, तब हम अपनी जीभ के सही भंडारी निकलेंगे। आज जो पद हमने पढ़ा है अभी, ये मेरे और आपके मन के भंडारीपन के बारे में है, स्टूअर्डशिप के बारे में है। इसके बारे में प्रभु ने ये उदाहरण क्यों दिया, इसके बारे में मैं आज दूसरी बात बताना चाहता हूँ। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जांच पड़ताल करने के बाद कहता है कि जनाब आपका दिल मजबूत है, आपकी किडनी मजबूत है, आपका हाजमा मजबूत है, सब मजबूत है, जीवन में सिर्फ एक बात की कमी है, आपके जीवन में पर्याप्त व्यायाम नहीं है। शरीर को आप सुबह से बैठे रहते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, शरीर को जो व्यायाम, जो एक्सरसाइज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और इसलिए एक दिन में कम से कम 4 किलोमीटर दौड़ना जरूरी है। तो मान लीजिए आपके घर के पास एक ट्रैक है, दौड़ने के लिए ट्रैक होते हैं, यहाँ आसपास कहीं नहीं है, लेकिन मैं जहाँ ग्वालियर में रहता था वहाँ से किलोमीटर भर दूर 400 मीटर का ट्रैक था, उस पर 10 चक्कर लगा लें तो 4 किलोमीटर हो गया। और ट्रैक पे जब आप दौड़ते हैं तो नज़ारा बदलता चला जाता है, पहले नीम का पेड़ है, फिर पीपल का पेड़ है, और उसके बाद तमाम तरह के पेड़ हैं। 10 दिन आप ट्रैक पर दौड़ लेते हैं तो आपको ये बात याद हो जाती है कि पहले कौन सा पेड़ था, फिर कौन सा पेड़ आता है, उसके बाद कौन सा पेड़ आता है। अब मान लीजिए आपने डॉक्टर की बात को हाँ में हाँ कर दिया और उसके बाद जाके आराम से आराम कुर्सी पर लेटकर आप ये कल्पना करते हैं कि मैं ट्रैक पर दौड़ रहा हूँ। तो भैया ट्रैक पे जहाँ दौड़ते थे पहले पीपल का पेड़ था, तो हम मन ही मन देखते हैं पीपल का पेड़ है, मैं दौड़ने लगा, कुछ देर के बाद वो नीम का पेड़ आया और आगे दौड़े तो उसके बाद फिर से दूसरा पीपल का पेड़ है और उसके बाद आम का पेड़ है, और आप मन ही मन दौड़ते हैं। पहला चक्कर हो गया, उसके बाद आप मन ही मन अपनी स्पीड
और बढ़ा देते हैं, तो इस बार पीपल का पेड़ जल्दी निकल गया, नीम का पेड़ जल्दी निकल गया, और उसके बाद पीपल का पेड़ जल्दी निकल गया, और उसके बाद तीसरा चक्र आया, तब तक पीपल नीम और अगला पीपल तेजी से आपके मन में निकल जाता है। और इस तरह से आप जो है वहां कुर्सी पे बैठे 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 आराम कुर्सी पे लेटे हुए 10 चक्कर ट्रैक का लगा लेते हैं। आपके शरीर में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? आप कुर्सी से हिले नहीं हैं, एक मसल आपके शरीर का हिला नहीं है। शरीर में फर्क आएगा या नहीं आएगा? हमको लगता है कि शरीर में फर्क नहीं आएगा, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये बात पता चली है कि शरीर में फर्क आएगा। हमारा शरीर धीरे 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 मसल्स टाइट होने लगते हैं, हमारी मैंने चार उदाहरण दिया तभी मेरी सांस चलने लगी, क्योंकि मैं उसके साथ कल्पना कर रहा था कि उस ट्रैक पर दौड़ रहा था। तो इस तरह से यदि आप ये कल्पना करते हैं कि मैंने 10 चक्कर लगाए, तो वाकई में आपकी सांस जोर से चलने लगती है, नाड़ी को हाथ लगाएं जो पहले 70 था वो 100 हो जाता है, और आपके मसल्स थके हुए महसूस करते हैं। देखिए, मैंने ये साइंटिफिक बात आपको बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि कल यदि डॉक्टर आपसे कहे कि भैया तुमको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, तो आप कहें कि शास्त्री सर ने बोला था मनी मन कर लो तो काम हो जाएगा। नहीं, परिवर्तन आएगा, लेकिन ये परिवर्तन शरीर को फायदा देने के बदले शरीर को नुकसान देगा, क्योंकि दौड़ते समय शरीर में जो बदलाव आना चाहिए वो बिना दौड़े ही आ गया। और इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं कि गाड़ी का गियर जो चल रहा है उसमें ग्रीस डालने के बदले आप बजरी डाल दीजिए, गियर को आप बर्बाद कर देंगे। उसी तरह से आप बैठे 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 यदि कल्पना करें कि मैं दौड़ रहा हूँ, आपकी सांस वाकई में तेज हो जाएगी, आपकी नाड़ी वाकई में तेज हो जाएगी, और आपका शरीर वाकई में थकने लगेगा। और दौड़ते समय शरीर में जिस तरह के रासायनिक पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं वो आपके शरीर में होंगे, आपको थोड़ी देर के बाद मसल में ऐसे ही दर्द होने लगेगा जैसे आप दौड़े थे, लेकिन आप दौड़े नहीं थे, इसलिए ये सारे परिवर्तन जो आपके शरीर में हो रहे हैं ये आपके शरीर को नुकसान करेगा। जो हमको ये बात याद दिलाता है कि प्रभु ने हमको जो मन दिया है, इस मन का सही उपयोग भी हो सकता है, गलत उपयोग भी हो सकता है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यदि किसी स्त्री पर या पुरुष पर नजर डालो, तो यदि उस नजर को बुरी दृष्टि से डालो, देखिए हमारी नजर समाज में जहां भी हम जाते हैं हमारी नजर स्त्रियों पर भी पड़ती है, पुरुषों पर भी पड़ती है, उस पहली नजर को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। लेकिन ये पहली नजर पड़ी तो उसके बाद ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अगली नजर को बचा कर रखें। इस अगली नजर या दूसरी नजर के बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। आप में से सब लोग जानते हैं कि मैं मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अक्सर 100-150 किलोमीटर दूर तक कार से जाता हूं। कभी कभी जब शरीर बहुत थका हुआ होता है तो ये 100-150 किलोमीटर दूर की यात्रा के लिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ पेटी, माल, असबाब, किताबें, थैले, पेपर सब लेके चलता हूँ, तो कई बार गाड़ी या तो टैक्सी ले लेता हूँ या अपनी गाड़ी में ड्राइविंग के लिए किसी को बुला लेता हूँ। एक बात मैंने नोट किया है कि 150 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में आपको ये बात पता चल जाती है कि आज आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। कई ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तब उनकी नज़र सीधे सामने को होती है, कई ड्राइवर जब सड़क पर जाते हैं तो उस सड़क से कोई भी कन्या निकले तो उस कन्या को पूर्ण अटेंशन देते हैं, गाड़ी उधर को जा रही है उनकी नज़र इधर है। 5 मिनट में पता चल जाता है कि भैया
आज 150 किलोमीटर आप आराम नहीं कर सकते, बीच बीच में ड्राइवर को टोकते रहना पड़ेगा कि सामने बैलगाड़ी आ रही है, सामने गाड़ी आ रही है, गाड़ी हटना, हटो बच्चों, कहने में समय निकलता है, ऐसा होता है। मैं अक्सर ये बात नोट करता हूँ, अक्सर मैं इस तरह से ड्राइवर इसलिए लेता हूँ कि शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है, थोड़ी देर लेट के सोएंगे गाड़ी में, लेकिन पहले 5 मिनट में पता चल जाता है कि आज आप सो सकेंगे या आज आपकी सारी नींद खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं सेकंड लुक या दूसरी नज़र। वो दूसरी नज़र आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं, सड़क पर सामने जाना हो, वो उसकी गर्दन हमेशा ऐसी रहती है, मतलब आगे के बदले उसकी गर्दन हमेशा ऐसी रहती है। यह है जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, यदि तेरी आदत ऐसी है कि पहली नज़र के बाद तू अपने काम से काम रखने के बदले मनी मन उस स्त्री के प्रति या उस पुरुष के प्रति लोलुप हो रहे हो, तो तुम्हारी हालत उस व्यक्ति के समान है जिसने उसके साथ गलत काम किया। ऐसा मत करो, क्यों ना करें? उसका कारण प्रभु यीशु आगे बताते हैं। मुझे और आपको प्रभु ने अपना भंडारी बनाया है, और भंडारी बनाने के कारण मुझे और आपको प्रभु ने कई तरह की बातें सौंपी है। पहले आपका मन आपको सौंपा है जिससे कि आप मन के अच्छे भंडारी के समान जीवन बिता सकें। आपकी जीभ आपके हाथ में सौंपा है जिससे जीभ को एक अच्छे भंडारी के रूप में दूसरों को बर्बाद करने के लिए या दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को एक नया जीवन, एक ठंडक, जीवन में आश्वासन देने के लिए आप उस जीभ का उपयोग करें। हम खुद जानते हैं कई बार जीवन में जब बड़ी परेशानी होती है तब ऐसे लोग अपने ही घर में होते हैं जिनसे कहो तो वो 2-4 टुकड़े और हमको कर देंगे, लेकिन ऐसे भी लोग घर होते हैं जिनसे जाकर यदि हम अपना दुख बताएं तो वो हमको तसल्ली देते हैं। बच्चों के जीवन में हम अक्सर देखते हैं बच्चों को यदि डांट फटकारो तो ऐसे घरों में जहाँ दादा दादी नाना नानी या बुआ ताऊ सब एक साथ रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं? एकदम से दादी माँ के पास जाके दादी माँ को लपेट लेते हैं और अपना रोना दादी माँ को सुनाते हैं। दादी माँ कहती है कि अच्छा अच्छा मेरे बेटे पप्पू या मुन्नी, तू फिक्र ना कर, मैं कल तुझे गुड़िया दिला दूंगी या कल तुझे मैं लड्डू दिला दूंगी। देते हैं ना अपनी जीभ से, वो दादी माँ उस बच्चे को तसल्ली दे रही है। तो प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने मन के विश्वस्त भंडारी रहेंगे, हम अपनी जीभ के विश्वस्त भंडारी रहेंगे, हम अपने कर्मों के विश्वस्त भंडारी रहेंगे। आगे प्रभु इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रभु ने हमको जो सौंपा है उसके अच्छे भंडारी नहीं है तो हमारे जीवन में क्या होगा? 28 में हम देखते हैं, 29 में, यदि तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रभु ने जिस व्यक्ति को भंडारी बनाया है, कल को उस व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा, और जब उस व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा तो एक एक करके जब प्रभु देखेंगे, अरे तुमको तो मैंने एक साफ शुद्ध पाक बुद्धि से भरा हुआ मन दिया था, मेरे बच्चे तुमने उस पाक शरीर को नापाक कर दिया, उस पवित्र मन को अपवित्र कर दिया, वो बुद्धि से भरा हुआ मन मैंने तुमको दिया था, तुमने सारी जिंदगी भर बेवकूफी की बातें सोची, शांति के बदले हिंसा की बातें सोची। मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमको मालूम नहीं था क्या कि मैं हिसाब मांगूंगा, मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा और तुमको हिसाब चुकाना पड़ेगा,
मैं तुझ पर दयालु हूं, तुम पर दयालु हूं, लेकिन सिर्फ उस न्याय के दिन के पहले तक। जिस दिन न्याय की घड़ी आ जाती है उस दिन प्रभु एक दयालु व्यक्ति के रूप में नहीं, प्रभु एक ईमानदार न्यायी के रूप में हमारा न्याय करते हैं। उस समय यदि ये पता चलता है कि जिन चीजों का भंडारी प्रभु ने हमको बनाया था उन चीजों में हम विश्वस्त नहीं रहे तो हमारी हालत बहुत खराब होगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, अरे बेहतर है कि उस आंख को निकाल के फेंको और सारा जीवन एक विश्वास योग्य भंडारी के समान बिताओ। ये प्रभु ने बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही भयंकर उदाहरण दिए हैं जिसके द्वारा हम इस बात को समझें कि भंडारीपन एक छोटी बात नहीं है और उसे हल्के से नहीं लेना है। आपने उदाहरण देखा होगा, कई बार लोग पैर में फोड़ा आता है और शुरू में उनको लगता है कि फोड़ा अपने आप ठीक हो जाएगा, चार दिन के बाद वो फोड़ा जब और बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, किसी ने कहा कि भैया ये दवा लगा लो, इसको पीने से मेरी खांसी अच्छी हो गई, तुम फोड़े पे लगा लो, तो हम खांसी की दवा फोड़े पे बांध रहे हैं। चार दिन के बाद पता चला कि वो तो सब पक गया है, तो किसी और ने कहा कि अरे कोई बात नहीं है, लाइफ बॉय साबुन जो है उसको शक्कर के साथ घोंट के लगा दो। तो लाइफ बॉय को शक्कर के साथ घोंट के लगाए तो उसमें कीड़े पड़ गए शक्कर के कारण। डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डॉक्टर हो वो देखते ही समझ जाता है कि हमने क्या क्या गड़बड़ किया है। अच्छा डॉक्टर ये भी जानता है कि मेरे पास उसका इलाज है, लेकिन अच्छा डॉक्टर पहले क्या करता है, मैं बहुत सारे डॉक्टरों के साथ बैठ के मैंने देखा है, अच्छा डॉक्टर पहले तो चिल्लाता है कि मरने को हो, अब मेरे पास आए हो क्या होगा, पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा सुन के उसके प्राण रुक जाते हैं, वो डॉक्टर के पैर पे पड़ जाता है कि डॉक्टर बचा लीजिए, मेरा पैर कट जाएगा, मैं मजदूर हूं, पीठ पे वजन लादना पड़ता है, पैर कट जाएगा तो मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और यदि इनकम नहीं होगी तो मेरा घर घर वाले सब मर जाएंगे, भूखे पेट मर जाएंगे। डॉक्टर जानता है कि पैर काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मजदूर को क्यों डराता है, जिससे कि कम से कम आप वो सही दवाई करे, ये मनुष्य के बोलने का तरीका है। उसी तरह से प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया कि देखो यदि तुम अपनी नजर इसके अच्छे भंडारी नहीं रहे तो कल को तुम्हारा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। इस कारण वो आंख यदि तुमको निकाल कर फेंकना पड़े तो भी कोई बात नहीं, अच्छा जीवन बिताओ। आगे प्रभु ने एक बात और बताई, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि एक अंग नष्ट हो जाए और तू खुद बच जाए। एग्जैक्टली इसी तरह का एक उदाहरण है, देखो तुम्हारे जीवन में तुमको तुम्हारी आंख का भंडारी बनाया है, लापरवाही मत करो, हाथ का भंडारी बनाया है लापरवाही मत करो। यहां पर प्रभु ये कह रहे हैं तुम्हारे मन का भंडारी बनाया है, मन के बारे में लापरवाही मत करो। आज शाम को जो संदेश मैं प्रभु के वचन से आपके सामने रखना चाहता हूं वो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों वो ये है कि मेरा और आपका संपूर्ण जीवन ईश्वर का भंडारीपन है, स्टुअर्डशिप है, और हमारा हर दिन, हमारी हर सोच यह होनी चाहिए कि मैं ईश्वर का भंडारी हूं और इस कारण मैं गलत बात तो नहीं सोच रहा, गलत बात तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा। कई बार लोग मुझसे आके पूछते हैं, अंकल जी एक बात बताइए, ये थोड़ा सा धूम्रपान करता हूं, बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धूम्रपान नहीं करना है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि धूम्रपान नहीं करना है,
और बाइबल में ऐसा भी नहीं लिखा है कि तंबाकू वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो अंकल जी, इसका मतलब है कि मैं थोड़ा बहुत धूम्रपान कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत तंबाकू का सेवन कर सकता हूँ? तो मैं कहता हूँ, इतना नहीं 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 ऐसी जल्दी मत करो, बाइबल में क्या लिखा है इसको अपन जरा देखें। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, और वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उस व्यक्ति को नाश करूंगा, मतलब उसको सजा दूंगा। मैं पूछता हूं, भैया बात समझ में आ गई क्या कि तुम्हारा शरीर क्या है? हाँ हाँ शास्त्री जी, प्रभु का मंदिर है, और इसको नाश करोगे तो प्रभु सजा देंगे। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि धूम्रपान करने से तुम्हारे फेफड़े दुगने मजबूत हो जाते हैं, है ना? तो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि नहीं सर, धूम्रपान से तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, उनमें ऐसा कोई था क्या जिसको गले का कैंसर हुआ था, जीभ का कैंसर हुआ था? तो कई बार वो अपने गांव का जीवन याद कर, नहीं बुआ, चाचा, ताऊ में से कोई नहीं था, लेकिन हमारे गांव में एक मुनीम जी थे जो सुबह से शाम तक धूम्रपान करते थे, और सर उनके यहाँ कैंसर हो गए, यहाँ से कीड़े निकले। तो मैंने कहा कि अब बेटा तुम भी जाके स्मोक करो तो इससे बेहतर होगा क्या? हाँ, तब उनको लगता है कि इससे बेहतर तो नहीं होगा। तो फिर मैं पूछता हूँ कि अब ये बताओ कि तुम यदि स्मोकिंग करो, धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो तुम्हारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, तुम इसको पुष्ट कर रहे हो या इसको बर्बाद कर रहे हो? तब उनको यह समझ में आता है कि हम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है जिससे मैं और आप इस बात को समझ सकें कि प्रभु ने हमको जो कुछ भी दिया है, हम उन सबके भंडारी हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी बात सोचें जो हमारे शरीर को, जो हमारे मन को पुष्ट करे, ऐसी वाणी से बोले जो हमको और सुनने वालों को, उनके जीवन को पुष्ट करे, और ऐसे कर्म करें जो मेरे और मेरे साथी लोगों को पुष्ट करें। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। प्रभु ने ये बात बहुत क्लियरली बताई कि याद रखना, इन बातों की सजा मिलेगी। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने जब दासों का उदाहरण दिया था, तब उसमें एक दास था, उसने कहा प्रभु आपने मुझे चांदी के 10 टुकड़े दिए, मैंने 10 और कमाए हैं। प्रभु का जवाब है, हे मेरे पुत्र, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे। थोड़े में क्यों? इसलिए कि प्रभु की जो संपत्ति है उसके हिसाब से प्रभु ने हमको जो भी दिया है वो थोड़ा, थोड़े में विश्वास योग्य रहे, मैं तुमको बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। दूसरे आके कहा, मालिक आपने 5 दिए थे, मैंने 5 और कमाए। प्रभु कहते हैं कि मेरे दास, विश्वास योग्य दास, तुझे मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। एक तीसरा आके कहता है, मालिक नहीं। प्रभु के वचन को ध्यान से देखें तो उसने ये नहीं कहा कि हे मालिक नहीं, वो आके कहता है, मालिक जी आप बड़े श्याने हैं, आप जिन्हें जो नहीं दिया वो आप लेते हैं, और आपने जो दिया है उसके बारे में 100 बार पूछते हैं, और इसलिए मैंने उसको गड्ढे में दबा के रखा था, ये लीजिए। प्रभु का क्या जवाब था? दुष्ट दास, यदि तू जानता है कि जो मैंने नहीं दिया वो लेता हूं, तो उसको गड्ढे में दाब कर रखने के बदले तूने लेकर सर्राफों को क्यों नहीं दे दिया? उस जमाने में जब प्रभु यीशु थे, उस जमाने का बैंक सर्राफों के पास होता था। यदि आपको सोना चांदी वगैरह इमीडिएटली जरूरत नहीं है,
तो आप सर्राफ के पास डिपॉजिट कर सकते थे, जैसे आज बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, और वो दूसरों को व्यापार के लिए देकर उस पर पूंजी कमाता था। तो बाद में जैसे 6 महीने या साल भर के बाद आपने जो वहां जमा किया वो भी आपको मिल जाता था, उसका ब्याज भी आपको मिल जाता था। मालिक ने कहा, दुष्ट दास, यदि तुझे ये बात पहले से मालूम थी कि मैंने जो नहीं रखा वो उठाता हूं, तो तूने उसे क्यों गाड़ कर रखा, सर्राफों को दे देता तो मुझे मेरी पूंजी भी मिल जाती, मुझे मेरा ब्याज भी मिल जाता। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। प्रभु ने कहा, दुष्ट दास, तूने अपने मुंह से अपने आप को दोषी ठहराया है, ले जाओ इसको, डाल दो इसको अंधकार में। प्रभु ने ये जो उदाहरण दिया है मेरे और आपको इस बात का याद दिलाता है, इस बात ये बात बार बार याद दिलाता है, चाहे आपको प्रभु ने बहुत बुद्धि दी हो या थोड़ी बुद्धि दी हो, बहुत धन दिया हो थोड़ा धन दिया हो, चाहे ऐसा मन, आज फोकस मन के ऊपर है, ऐसा मन दिया हो जो बहुत थोड़ी सी बातें सोच सकता है, या ऐसा मन दिया हो जो एक वैज्ञानिक का मन है जो यहां बैठकर सारे विश्व के बारे में सोच सकता है, या एक कवि का मन दिया हो या एक लेखक का मन दिया हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो मन प्रभु ने आपको दिया है, जो मानसिक योग्यता प्रभु ने आपको दी है, उसका उपयोग अच्छी प्रकार की बातों को सोचने के लिए और उस सोच के द्वारा दूसरों की मदद के लिए यूज में लाएं। हम जानते हैं, यदि आप बाजार में चले जाएं, बाजार के किनारे बैठकर जो लोग किताबें बेचते हैं, इनमें से कई लोग हैं जो सामने किताबें लगा रखते हैं, पीछे भी कुछ किताबें लगा रखते हैं। एमपी यूपी वगैरह में तो मैंने बहुत देखा है, जब बच्चे वहाँ से जाते हुए किताबों पर नज़र डालते हैं तो आओ बेटा तुमको क्या खरीदना है ले जाओ। बच्चा यदि पीछे की किताबों पर नज़र डालता है तो एकदम से कहता है, बेटा वो तुम्हारे मतलब की किताबें नहीं हैं, अश्लील साहित्य होता है। किसने वो अश्लील साहित्य लिखा? जिन लोगों को प्रभु ने मानसिक कैपेसिटी दी है कि वो कहानी लिख सकें, ऐसे लोगों ने दूसरों के जीवन को पुष्ट करने के बदले दूसरे के जीवन को बर्बाद करने के लिए अश्लील कहानियां लिखी हैं जो वहां बिकती हैं। मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया, हम में से हर व्यक्ति के मन की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग योग्यता है। जैसा मैंने बोला, जैसा मैंने कहा, कुछ लोग हैं जो अपनी बातचीत के द्वारा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को अच्छी बातों की तरफ आकर्षित करें। ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी तरह से कविता कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कविता करें जो सुनने वाले के दिल को खुश करे और उसको प्रभु के पास ले जाए। प्रभु ने कुछ लोगों को ये कैपेसिटी दी है कि कहानी लिख सके, निबंध लिख सके, पुस्तक लिख सके, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की रचना करे जो दूसरों के जीवन का निर्माण कर सके। मुझ जैसे व्यक्ति को प्रभु ने ये गिफ्ट दिया है कि मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करके आपके सामने उसको सरल से सरल भाषा में पेश करूं, लेकिन मैं इस गिफ्ट का दुर्विनियोग भी कर सकता हूं। कैसे? वो कहते हैं ना कि मखमल में लपेट कर स्टील की मुट्ठी यो मारना, मतलब आपको लगेगा कि वाह शास्त्री सर क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें उसी संदेश में छुपा कर मैं इस तरह की बातें आपके सामने रख सकता हूं जो आप सबके जीवन को निराशा से और दर्द से भर देगा। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु ये कहना चाहते थे या प्रभु ये कह रहे थे, हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने मन, वाचा और जीवन में कर्म करने की योग्यता दी है, उसमें से मन के हम भंडारी हैं और उन भंडारियों को अपने मन की सुरक्षा करनी चाहिए जिससे कि दुराचार के विचार भी हमारे मन में ना आए, क्योंकि यदि दुराचार का विचार आता है तो दुराचार करने के समान है
जिस तरह से कोई व्यक्ति कुर्सी पर लेटकर एक्सरसाइज करे तो भी उसके शरीर में बदलाव आता है, उसके शरीर को नुकसान करता है। उसी तरह से यदि हम अपने मन को दुराचार से भर देंगे, हमारे शरीर में उसके द्वारा बदलाव आएगा जो हमारे शरीर को और हमारे मन को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ध्वंस कर देगा। और इसलिए आज शाम का संदेश मैं आप सबके सामने सबको ये देना चाहता हूँ। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम जहाँ नौकरी करते हैं, हम जहाँ दूसरों के साथ रहते हैं, वहाँ तमाम तरह की बातचीत होती है, तमाम तरह की बातें बताई जाती है जो हमारे मन के ऊपर असर डालती हैं। खबरदार, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है जो हमारे मन को दुराचार की भावनाओं से भर देता है तो भाग कर उससे अलग हो जाए। प्रभु ने कहा कि अपने शरीर को काट डालना ज़्यादा अच्छा है। यदि तुम अपने शरीर में, अपने मन में उस दुराचार को कंटिन्यूली बढ़ने दोगे तो तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जिस दिन तुमको हिसाब देना है उस दिन तुम्हारी हालत बड़ी खराब होगी। इसलिए बेहतर है कि इवन उस अंग को काट डालो। कहने का मतलब ये, कठोर अनुशासन का पालन करो जिससे कि तुमको प्रभु ने जो दिया है उसके एक भंडारी, अच्छे भंडारी के रूप में अपना जीवन बिता सको। आज शाम को मैं, जितने श्रोता लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सब लोग आज शाम को बड़े आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम और मस्ती कर सकते थे, उसको छोड़कर आप लोग संध्या को भजन, ध्यान और प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, जो इस बात को बताता है कि आप अपने समय के अच्छे भंडारी के रूप में प्रभु ने आपको जो समय दिया है उसमें से एक हिस्सा प्रभु के बारे में सुनने के लिए बिताना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आप सबकी तारीफ करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये पूछना चाहता हूँ, देखिए, जीवन में पूर्णता कहीं भी नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह से अपने समय को प्रभु की बातों को सुनने के लिए निकालता है, वही व्यक्ति जब दोस्तों यारों के बीच में पहुंच जाता है, जहां हम एक साथ दो तीन लोग या 8-10 लोग रहते हैं, वहां बातचीत के दौरान जो चीज़ें प्रभु के बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है या उचित नहीं है, ऐसी बातचीत आती है तो कई बार हम उसमें बह जाते हैं और हमारा मन धीरे धीरे हमको गलत बात सोचने के लिए प्रेरित करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है? ऐसा हो सकता है, खासकर जवानी में जब हम परिवार को छोड़कर दूर, अपने परिवार से दूर, अन्य अपने समान उम्र के लोगों के साथ रहते हैं, तब इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम अपने मन की पूर्ण सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जरा जांचें, जरा सोचिए कि मेरे साथी लोग मेरे मन को अशुद्ध तो नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो इस तरह के साथियों से अलग रहना जरूरी है। आप हो सकता है उनको छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम जब वे बोलते हैं तब आप कम से कम टहलने के बहाने कमरे के बाहर जा सकते हैं, जिससे कि उनकी वो गंदी बोली, उनकी वो गंदी वाणी, उनके वो गंदे सोच हमारे मन में ना आए और हमको अशुद्ध ना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भंडारी हैं, भंडारी के रूप में कार्य करना, भंडारी के रूप में अपने जीवन की सुरक्षा करना, प्रभु ने हमको जो दिया है उसकी मदद से और अधिक प्रभु के लिए कमाना हम में से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। चाहे छोटे से छोटे बच्चे यहाँ हों या बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, आज शाम को मैं उन सब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप कह सकते हैं क्या कि मैंने विश्वास योग्यता से अपने मन की सुरक्षा की है और उसका उपयोग सिर्फ सदाचार के लिए करता हूँ, अच्छी बातें सोचने और दूसरों तक पहुँचाने के लिए ही करता हूँ? शाम को जरा सोचें। प्रभु की वाणी को जितने लोग पिछले 1.5 घंटे से सुन रहे थे, उनको एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब भी हम इस तरह से प्रभु की वाणी को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, तब मैं ये बात याद दिलाता हूँ कि हम में से ऐसे कई लोग हैं जो कई बार इन चीज़ों को सुन चुके हैं, लेकिन आज तक जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने दिल में न्योता नहीं दिया है।
उन्होंने कभी प्रभु से ये नहीं कहा है कि हे प्रभु मैं एक पापी हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि प्रभु पापी होने के कारण कल को जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊँगा तब आपके न्याय आसन के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा और जब मैं न्याय आसन के सामने खड़ा होऊंगा तब प्रभु का पहला प्रश्न ही होगा, पुत्र मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि वे सूली पर अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान के रूप में अर्पित करें, तुम इस बात को जानते हो क्या? हर व्यक्ति जानता है, हर एक को कहना पड़ेगा हाँ प्रभु मैं जानता हूँ। प्रभु का अगला प्रश्न होगा, पुत्र उस प्रभु को तुमने अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया क्या? जब प्रभु ये प्रश्न पूछेंगे तब हम में से बहुत लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। प्रभु कहेंगे बेटे मैंने तुमको 30, 40, 60, 80 साल मेरी वाणी मेरा संदेश सुनने का मौका दिया था, मेरे दासों के द्वारा बार बार तुमने ये बात सुनी कि प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नया जीवन पाओ, इसके बावजूद तुमने नहीं किया। अब अवसर खत्म हो गया, ये न्याय सिंहासन है, यहाँ क्षमा नहीं है, यहाँ न्याय है। 80 साल तुमको क्षमा के लिए दिए थे, अब न्याय का समय आ गया है और एक न्यायी के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको अनंत सजा में, अनंत नरक में भेजूं। प्रिय भाई प्रिय बहन, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि आज कोई भाई या कोई बहन इस तरह का है यहाँ जिसको इस बात का यकीन नहीं है कि आपको प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन मिला है, तो इस सभा के समाप्त होने के बाद जब चाय पाने का समय होगा फुर्ती से जाके चाय पान कर लीजिए। मैं यहाँ सामने बैठा रहता हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको डिटेल में सारी बातें समझाऊँगा। मेरे कई भाई लोग सामने बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, कई बहनें हैं जो ये बातें आपको समझाने के लिए तैयार हैं। लापरवाही ना करें, उस नवजीवन को आज जरूर पा लें। इसके साथ साथ एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम सब एक परिवार के अंग हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया वे तो एक परिवार के अंग हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया लेकिन नियमित रूप से आते हैं वे भी इस सभा के अंग हैं और प्रभु के भंडारियों के समान हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, प्रार्थना करें। और इसलिए यदि सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको प्रार्थना की जरूरत है, जो बीमार है, जो किसी तरह की कमजोरी के साथ संघर्ष कर रहा है, बेरोजगारी है, यदि आपके परिवार में किसी को कोई दुख है दर्द है हमारे पास आइए, हम आपके लिए निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे और घर जाकर भी हम आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। इन बातों को समझने के लिए और जीवन में आप जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर, जिस सीढ़ी पर है उस सीढ़ी पर, आपको प्रभु की जो मदद चाहिए उस मदद को समझने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। जय मसीह की।